हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अन्वेशाज वर्ल्ड। तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ साइंस पार्क। मैंने यहाँ की मोस्टली वॉइस ओरिजिनल ही रखने की कोशिश की है, सो दैट आप मेरे साथ ये इस चीज़ का आइडिया लगा सके कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से बोला ना। हेलो, हम सुन रहे हैं अपनी वॉइस को एको होते हुए, एंड साथ में आप भी देखिए कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। सब तरफ ग्रीनरी है, पार्क है। तो हम लोग चले मस्ती में, मेरी सिस्टर भी आ रही है पीछे, मैं, पापा, मेरी सिस्टर, हम सब दौड़ रहे हैं कि फटाफट हम पहले बिल्डिंग के अंदर देखते हैं कि कैसी है बिल्डिंग अंदर से। बाहर का तो व्यू हमने पहले ही देख लिया था, हमें लगा वापसी में आएंगे बाहर। तो आप भी देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। वैसे मैं बता दूं, हम यहाँ स्पेशली नहीं आए थे, पापा को चेक कराने आए थे, तो सोचा चलो यहाँ भी जाया आते हैं। ये रहा एंट्री का व्यू, आप भी देखिए कितना मजेदार है अंदर से, कितना कुछ है बच्चों को करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट सीखने के लिए। Thank you.
कलरफुल दिख रहे हो। फ्रेंड्स मैं अब आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ का नज़ारा देखकर तो मैं मिसमराइज हो गई। इतना ब्यूटीफुल इन लोगों ने डिज़ाइन किया था। मिसाइल थी, अर्थ थी, म्यूजियम थी, काफ़ी जगह की मैं वीडियो नहीं बना पाई। पीछे जो एक गेट था वहाँ पे 3D मूवी चलाते हैं वो लोग, उस दिन नहीं चली, आई डोंट नो व्हाई। बट आप खुद देखिए, मैं इमेजिन कीजिए कितना मजा आ रहा होगा हमें। तो चलो आप देखिए तो क्या है। यहाँ अर्थ से रिलेटेड काफी चीजें थी, जैसे कि ये देखो अर्थ रोटेट कर रही है। वहां पे एक बटन था, ये यहाँ एक देखो स्क्रीन है ना, मैंने उस पर प्रेस किया तो सैटेलाइट व्यू हमें मिल रहा था, कैसे जूम होके पर्टिकुलर जगह जाती है। ये एक बॉक्स है, इसके पास मैंने कुछ बटन्स देखे। अगर आप उस पे बॉक्स में जाओगे तो अर्थक्वेक में आपको कैसा फील होता है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ लाइटनिंग का प्रोसीजर, इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे, डिटेल्स पे इतना काम किया है। ओवरऑल मिला के कलेक्टिवली वो इतनी सुंदर आई हैं कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ पे हमें बोला गया सैंड थी नीचे, उसको कलेक्ट करो एंड सॉइल इरोजन कैसे होता है उसको समझो। तो धीरे धीरे अगर आप नोटिस करोगे, रेत बिल्कुल हल्के हल्के से हिलना शुरू हो गई है। इस तरह बताया है कि कैसे वो सॉइल बह जाती है पानी में, अगर बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ आई है, हम एक पर्टिकुलर दूर एक पॉइंट पे खड़े थे बट आपको हम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम नाचेंगे गाएंगे। मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ खड़ी थी। देखो ये मैं खड़ी हूँ बट मैं स्क्रीन पे विजिबल हो रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉम का इफेक्ट था कि मैं बारिश में हूँ, बिना भीगे हुए मैंने बारिश की वीडियो बना ली। ये मेरी सिस्टर डांस करती हुई एंड साइड में कुछ फैमिली वाले हमें देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गए हैं सारे लोग जो नाच रहे हैं। ये है सुनामी। सुनामी बेसिकली आती कैसे है ये इन लोगों ने बताया है। ये देखो धरती समुद्र के अंदर कैसे प्लेट्स ऊपर होती हैं एंड ये वेव बनी, कितना डिस्ट्रॉय करती है ये चीज, मैं देख के हैरान हो गई। मुझे ना साइंस में या सोशल साइंस में ये टॉपिक आने वाला है ना, तो मैंने तो ये ध्यान में, मुझे पूरा पिक्चर छप गई है मेरे दिमाग में कि ये कैसे होता है, कैसे ये बिल्डिंग्स को, हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाती है। तो इसी तरह मुझे लगता है स्कूल में स्टडीज भी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले थे कि एवलांच कैसे आते हैं। एवलांच बेसिकली जो बर्फ है, बर्फ जो खिसकती है उसको इंग्लिश में एवलांच बोलते हैं। तो इन्होंने बड़े से सर्कल के अंदर रेत रखी थी और जैसे जैसे सर्कल हिल रहा था तो रेत के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि एवलांच में बर्फ कैसे खिसकती है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा और मुझे थोड़ा भयानक लगा ये कि जो बर्फ के नीचे दब जाते हैं लोग, उनको कैसा लगता होगा, कितना दम घुटता होगा, कितनी तकलीफ होती है। नेक्स्ट इन्होंने टॉपिक पर पकड़ा अर्थक्वेक। बेसिकली बताया था कैसे मकान होने चाहिए, किस टाइप के नहीं होने चाहिए, और साथ में इन्होंने रख दिए कुछ लकड़ी के टुकड़े जो बेसिकली हम लोगों को सेट करने थे और इन्होंने इमिटेट करना था, जैसे ग्रीन बटन प्रेस करना था, इस टेबल ने शेक करना शुरू कर देना था। अब ये मैंने थोड़ा स्मार्टली बनाया और कम गिरे, अदरवाइज अगर मैं सिंगल पोल जैसा ये छोटे छोटे ब्लॉक्स रखती तो ये बहुत इजीली गिर जाते। एंड ये समझाया गया है कि अर्थक्वेक में धरती कैसे हिलती है और कैसे हमारे मकान तक गिर जाते हैं अगर वो प्रॉपरली प्लान तरीके से नहीं बनाए गए हों। तो ये देखो कैसे शेक करता हुआ ये टेबल के साथ ही सारे ब्लॉक्स एक साइड मूव होने शुरू हो गए हैं। तो मेरे को बहुत
अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेसिकली साइंस पार्क मुझे आया ही इसलिए पसंद था कि छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने बहुत बहुत अच्छे से समझाए थे। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लैंड स्लाइडिंग है, ये टूटा यहाँ से एंड पूरा का पूरा एरिया वो नीचे आ गया। ये भी इन लोगों ने वैसे ही रखा था, एक सैंड ग्लास रखा था कि कैसे साइड पे इसको हिलाने पे सारी रेत नीचे गिर जाती है। और ये है लैंडस्लाइडिंग, जो बेसिकली हिमाचली बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सड़क है, बारिश हुई, एक पोर्शन निकला सॉइल का और सीधे आके सारा खिसक गया रोड के पास। और ये देखो अपने साथ सब कुछ भागे ले गया, कोई कह ही नहीं सकता पहले यहाँ पे सड़क भी हुआ करती थी। अर्थक्वेक का ये बॉक्स तो मैंने पहले दिखाया था, उस दिन सर नहीं थे इनको ऑपरेट करने वाले, छुट्टी पे थे मैंने सुना, तो मे भी मुझे लगा कि ये थोड़ा स्लो मीडियम और हाई वाला झटके हमें देता होगा कि देखो कैसा फील होता है। तो ये एक्सपीरियंस से मैं रहेगी, फिर से मैं दोबारा विजिट करने का प्लान कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया हम लोग तुक्के से ही आ गए थे, पापा को चेक कराने आए थे, कुछ इमरजेंसी थी, डॉक्टर को 2 घंटे वेट करने के लिए कहा, तो ये हॉस्पिटल के पास ही था पार्क, तो हम लोग फटाफट आ गए थे यहाँ पे और हमने एंजॉय कर लिया। अब हम अंदर का तो सारा घूम चुके थे, अब हम आ गए हैं बाहर। बाहर था पार्क और पार्क भी ऐसा था कि जहाँ फिजिकल एक्टिविटी, हमारी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब टेस्ट होने वाली थी। यहाँ पापा की मसल पावर चेक की गई, मैं और मेरी सिस्टर चढ़ गए झूले पे, पापा ने रोप खींचा बेसिकली और हम लोग चले गए ऊपर। फिर पापा ने बोला कि नहीं, इसे ज्यादा नहीं करना, कहीं तुम लोग गिर जाओगे, तो पापा ने हमें उतार दिया नीचे। यहाँ हम सब कर रहे हैं अपना वेट चेक, वो भी बहुत मज़ेदार तरीके से। ये है बैलेंसिंग बैलेंसिंग बोल, फ्लैट सरफेस, जो मर्जी कह लो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलेंगे। इसमें करना क्या है कि अलग अलग वेट के हिसाब से आपको आगे आगे मूव करना है, जहाँ आपका वेट होगा ये फ्लैट सरफेस मतलब यहाँ पे टोटली बैलेंस हो जाएगा। अगर आप हैवी हो तो ये बैलेंस नहीं होगा, मेरी सिस्टर सो गई है, इसका बिल्कुल बैलेंस नहीं हो रहा था। ये छोटू सा होल है, यहाँ से जो आड़ी तिरछी आयरन बार्स हैं पूरी क्यूबॉइड शेप में हमें दिख रही थी। एंड ये है एयर वॉक, हम लोगों ने किया है एयर पे वॉक, मैंने नहीं किया, मेरी सिस्टर ने किया है। यहाँ से कुछ देखना था, क्या देखना था मुझे समझ में नहीं आया कि क्या दिखाना चाह रहे थे, मेरी छोटी बुद्धि ने यहाँ पे हथियार डाल दिए और दोबारा कोशिश की, बट समझ तो मुझे फिर भी नहीं आया। अब हम भागे नीचे की तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो ये एक मजेदार कॉन्सेप्ट मुझे लगा। अब देखो मेरे पापा को, अरे ये स्टैच्यू को किस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली स्टैच्यू के मुंह के पास आपको कुछ कहना है और वो दूर मैं खड़ी हूँ दूसरे स्टैच्यू के पास, मुझे वहां जाके सुनाई देगा। सुनाई तो हमें बेसिकली कुछ नहीं दिया, बट मजा बड़ा आया। इसमें बैठ के मुझे रिंग घुमानी थी, उसके साथ साथ मैंने मेरी सिस्टर ने भी घूमना था। यहाँ पे बारी आई मेरे पापा के कसरत की, तो पापा चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, अपनी मसल्स लेग्स को यूज कर रहे थे और मैं और मेरी सिस्टर राजकुमारियों की तरह सिंहासन में बैठ के धूप का आनंद ले रहे थे। तो फिर पापा ने बोला, अरे मैं ही क्यों सारी मेहनत करूं, मामा को ऑर्डर दिया कि जाओ तुम भी बच्चों को झूला झुलाओ, अपना फैट बर्न करो, कैलोरीज बर्न करो। एंड यस मामा बोलते ही, इस टाइम मामा बोली कि अरे ये तो बहुत हार्ड है मूव करना, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत जोर लग रहा था। तो पापा ने एडवाइस दी कि मोमेंटम बनाओ अपना, दौड़ो यहाँ से। तो ये साइंस पार्क सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा इस साइंस पार्क में आके। मैं और मेरी सिस्टर मम्मी को मोटिवेट करते हुए कि हिलो भी अब यहाँ से चलो। और अब मैं और मेरे पापा गेम खेलते हुए, ये रोल रोल वाली रिंग हमें अपनी तरफ करनी थी और जिसकी तरफ चली जाती वो जीत जाता। मम्मा ने मुझे इंटेंशनली जीतने दिया, मैं अपनी मम्मा को जानती हूँ, उनके लिए विनिंग इन द इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना फैमिली की खुशी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें जीतने दिया। अब छोटी सिस्टर भी रो रही थी कि मुझे भी खेलना है, तो मम्मा ने उसके साथ भी थोड़ी मस्ती की और एट द एंड उसको भी जीतने दिया, वो भी जीत के खुश हो गई। बेसिकली हम
सारों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब हम आते हैं एक फिश के पास, जहां हम कुछ भी बोल रहे थे वो बहुत ज्यादा एको कर रहा था। मेरी सिस्टर ने जिद किया कि मुझे भी ऐसे ही करना है जैसे दीदी कर रही है। तो एक साइड से मैं बेसिकली पोंछ पे एको मैं कर रही थी एंड मुंह पे एको वो कर रही थी। अब ये कुछ एटम की शेप का है क्या एग्जैक्टली? ये स्कूल्स में भी होता है, ऊपर चढ़ते जाओ बेसिकली, चढ़ते जाओ, चढ़ के पता नहीं क्या करेंगे। पर मेरी सिस्टर को ये गोलमटोल बॉल्स छोटी बड़ी बड़ी मजेदार लग रही थी, तो ये तो वहां जाके चढ़ गई कि मुझे खुद चढ़ने दो। मम्मा थोड़ी डर रही थी बिकॉज ये बॉल्स थोड़ी स्लिपरी थी एंड बैलेंस नहीं बन पा रहा था उसका, तो उसको थोड़ा हैंडल कर रहे थे। उसने बड़ा इंजॉय किया इस एटम के अंदर, एटम बम बन के वो खुद ही घूम रही थी। इसके बाद हमने लिए थोड़े झूलों के मजे। वो देखो मैं साइड में झूला झूल रही हूँ। और इस टाइम पे ना किसी और स्कूल के बच्चे भी आ गए थे, तो रश बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था। मैं अगेन दूसरे झूले में शिफ्ट हो गई। किसी में दो तीन झूले हैं वहां पे, सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेस है। एंड एक छोटा सा व्यू देखो आप, मेरी सिस्टर, मेरे पापा और मेरी सिस्टर अगेन झूले में झूलते हुए। पापा थक गए थे हम लोगों को संभालते संभालते, कोई एक इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। मम्मा वीडियोग्राफी करने में ज्यादा बिजी रहती है, मम्मा का ध्यान ये रहता है कि सब चीजें अच्छे से कैप्चर हो जाएं। अब मुझे लगा इस एटम बम के अंदर मुझे भी जाना चाहिए, तो साथ साथ में मम्मा सारा व्यू पार्क का ले रही हैं। इस पार्क में आने का सबसे मजेदार जो है बात ना, आप सीखोगे खेल खेल में सीखोगे और मजे से सीखोगे। ऐसा नहीं लगेगा कि उफ ये पढ़ाई का टाइम है। अभी ये सर्कल ऐसा था जिसमें गोल गोल घूम रहे थे, कभी आगे हो रहे थे कभी पीछे, बट आप गिर नहीं रहे थे और ना गिरोगे, ये पक्की बात है। अगर आपको इस पार्क में मेरी तरह ही बहुत मजा आया मुझे वहां जाके आपको वीडियो देखकर, तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड प्लीज ऐसा मत करना कि आए वीडियो देखा और गए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। आपके बिना सपोर्ट के मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगी और ना इस चैनल को आगे चला पाऊंगी, तो थैंक यू सो मच। 5 बजे इस पार्क का टाइमिंग खत्म हो जाता है, गेट बंद हो गया था। नहीं नहीं डरने की बात नहीं है, जो अंदर थे उनको बाहर जाने दे रहे थे एंड बाकियों को ये लोग एंट्री बिल्कुल बंद करती थी। तो 5 बजे तक वैसे भी सर्दियों का टाइम है, तो अंधेरा हल्का सा होने लगा था। एंड एक अनाउंसमेंट से हो जा लग रही थी सबको पता कि ओके अब जाने का टाइम हो गया है। मैं मेरी सिस्टर अभी और टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। ये भी एक और एक कर्वी शेप का सर्कल है एंड इसमें भी सेम यही था, आप यहाँ बोलोगे दूसरे को सुनाई देगा। तो वैसा मैंने किया, तो मैं बाय बाय कर रही हूँ। ओके बाय।